तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के बारे में। दोस्तों, महिला और बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार की वैकेंसी है और आंगनवाड़ी के जो पद हैं उनके अंतर्गत एक साथिन का पद आता है, उसी के लिए वैकेंसी निकल रही है। कौन से ज़िले से ये वैकेंसी है, क्या इसमें मापदंड होंगे, किस तरीके से चयन किया जाएगा, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना है, पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता जोधपुर, 12/9/2019 का विज्ञापन, यानी कि 12 सितंबर को विज्ञापन आ चुका था। अब देखिए, इसमें साथिन के पदों पर ये वैकेंसी है और जोधपुर ज़िले से है, तो जाहिर सी बात है इसमें जोधपुर ज़िले की महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया है पंचायत समिति का नाम दिया गया है और यहाँ उनके आगे ग्राम पंचायत जहाँ पर ये पद खाली है वहाँ का यहाँ पे नाम दिया गया है। 15 पंचायत समिति दी गई हैं और उनके अंतर्गत ये ग्राम पंचायत हो, तकरीबन 106 या 107 के आसपास ये होती हैं जो पद हैं, टोटल इसमें बन जाते हैं। अब देखिए, इसमें योग्यता क्या रहेगी, तो जिस भी ग्राम पंचायत से आप फॉर्म भरेंगे उसकी स्थानीय निवासी होना ज़रूरी है महिला को, ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी। न्यूनतम योग्यता रहेगी साथिन के लिए 10th पास प्लस मैरिज होना चाहिए, विवाहित होने चाहिए महिला अभ्यर्थी को। एज यहाँ पर देखिए, विज्ञप्ति जारी होने तिथि तक आयु, आवेदक की आयु सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 से 35 वर्ष, SC ST के लिए 21 से 40 वर्ष, विधवा परित्यक्ता और तलाकशुदा के लिए 21 से 45 वर्ष के मध्य आयु होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, जनरल OBC के लिए 21 से 35 है, SC ST के लिए 21 से 40 है, बाकी जो बच गए उनके लिए 21 से 45 वर्ष है। अब देखिए, आवेदक अपने आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा या तलाकशुदा इनका प्रमाण पत्र, अगर RSCIT आपने किया है तो वो भी लगा सकते हैं, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अगर BPL हैं तो वो भी लगा सकते हैं, इनकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। आवेदन पत्र इस कार्यालय यानी कि जिस भी ग्राम पंचायत से आप फॉर्म लगा रहे वहाँ से मिल सकता है या फिर वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं WCD राजस्थान से। अब देखिए, साथिन पद पर चयन विभागीय परिपत्र संख्या दिनांक 5/7/2019 के अकॉर्डिंग 4/9/2019 के अनुसार किया जाएगा, ठीक है, लेटर का ये नंबर दिया गया है और लास्ट डेट रहेगी 27 सितंबर, 27/9 तक चाहे 5 बजे तक व्यक्ति से या डाक द्वारा आप इसे जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म है और इसे आप भर करके भेज सकते हैं। यहाँ पर दिया गया ये फॉर्म है, इसको भरना है, आवेदन 2 प्रतियों में भरना है, यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, ये डिटेल्स आपको आप यहाँ पर भर देनी है, सबमिट कर देनी है, यहाँ पर योग्यता का विवरण कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म भर करके और दस्तावेज आपको ये लगाने हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर घोषणा भी दी गई है, आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद दी गई है और ये देखिए चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र, तो ये भी मूल्यांकन प्रपत्र दिया गया है, इसके आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। देखिए, योग्यता का सबसे अधिक यहाँ पर है स्नातक या स्नातक से अधिक हैं तो 3 अंक यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर 3 अंक ये श्रेणी का दिया गया है, विशेष योग्यता का दिया गया, RSCIT है तो 1 नंबर मिल जाएगा, कार्य अनुभव तो 1 नंबर मिल जाएगा, BPL है तो 1 नंबर, विधवा परित्यक्ता इनके लिए, टोटल 10 अंकों के आधार पर ये यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। और देखिए, 8वीं की अंक तालिका इन ज़िलों के लिए मान्य है, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक, उदयपुर होते हो, इन ज़िलों से निकलेगा तो 8वीं पास यहाँ पर मार्कशीट मान्य हो जाएगी। जोधपुर के लिए यहाँ पर नहीं दिया गया, तो जोधपुर के लिए आपको लगानी है 10th पास की, ठीक है। देखिए, यहाँ पर यह चयन का है और देखिए, चयनित महिला के मूल्यांकन प्रपत्र की 1 प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी तथा दूसरी प्रति संबंधित सहायक निदेशक कार्यालय में यहाँ पर भेजी जाएगी। ये ग्राम पंचायत का कार्य है, ठीक है, इस तरीके से आपको भेज देना है एड्रेस के लगा करके। और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो 27 सितंबर रहेगी और एड्रेस आपको इस एड्रेस पर ये भेजना है, ठीक है, इस एड्रेस पर आप लोग ये भेज सकते हैं इस फॉर्म को भर करके। महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं, इसमें पुरुषों के लिए पद नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वहाँ से ये आवेदन पत्र और ये PDF फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद जय भारत। जोधपुर ज़िले के हैं तो जोधपुर ज़िले की महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन करें, अन्य ज़िलों की महिला अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन ना करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।